अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं ग्रेट साइंस एकेडमी। वासिफ़ रशीद आपके सामने हैं। केमिस्ट्री पार्ट वन हमने स्टार्ट बेटा किया हुआ था, और चैप्टर वन हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आयन। जी स्टूडेंट्स, तो आयन क्या होता है इस पे हम बात करते हैं आज। हमने एटम के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी। अब अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम जो है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम अगर हम कोई भी मसाल लेते हैं, हाइड्रोजन का एटम है, अगर आप लिखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं होता, इट मीन्स इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल है ये। हम कह सकते हैं इसको न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमेशा बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। ठीक है बेटा, तो आयन क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो आयन है। जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आए, नॉर्मली चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। तो जब भी किसी एटम के ऊपर, किसी स्पीशी के ऊपर चार्ज आएगा, तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो क्या करेंगे? स्पीशी, द स्पीशी विच कैरी सम चार्ज, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल, जब उसके ऊपर कोई चार्ज आता है, तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। ठीक है, तो स्पीशी में हम क्या कह सकते हैं? कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जब उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, अब चार्ज कौन सा हो सकता है? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, या नेगेटिव चार्ज होगा। दो किस्म का ही चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब चार्ज दो किस्म का है, तो चार्ज के लिहाज से आयंस भी दो किस्म के होते हैं। हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस। अब टाइप्स, अभी हमने बात की है कि अगर दो किस्म का चार्ज है, तो दो किस्म की ही टाइप्स भी होंगी उसकी, दो किस्म के ही आयंस भी होंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो एक पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है जी, और एक नेगेटिव आयन हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव आयंस। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव आयंस को बेटा जी कैट आयंस भी कहा जाता है, कैट आयंस। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं, इनको एनायंस भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपको याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूं। अब कैटाइन, कैटाइन में टी आ रहा है, तो टी जो स्टूडेंट्स होता है, इसको अगर हम देखते हैं, इस पे ऐसे प्लस का निशान, मतलब टी के ऊपर प्लस का निशान आ जाता है। तो कैटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होंगे। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि कैटाइंस यानी टी आएगा
कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला आयन होगा। क्लियर जी स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस करते हैं इनका मजीद, थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कैटाइन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, चार्ज कैसे आता है, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव आयन्स के बारे में। तो पॉजिटिव आयन कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी कि कोई भी सिंगल एटम अगर हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसके ऊपर जीरो चार्ज है। जीरो मीन कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मीन प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है जी, उतने ही नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में बराबर होंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं आ सकता। अब यहां पे ही देखते हैं कि पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो फिर वो बनेगा पॉजिटिव आयन। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं व्हेन एन एटम रिलीजेस, ठीक है, रिलीज मीन खारिज करना, या लॉसेस इलेक्ट्रॉन, क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वेलेंस शेल। ओके स्टूडेंट्स, कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अपने आखिरी शेल में से, ठीक है, अपने में से या अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो उस पर चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बेटा जी, अब वो एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो एक इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आखिरी शेल में तो दो इलेक्ट्रॉन ही रिलीज कर सकता है, और अगर आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो तीन ही इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर सकता है। तो क्लियर हुआ कि जब कोई एटम अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे मिसाल लेते हैं हम, चलें हमारे पास बेटा सोडियम मौजूद है। अब सोडियम जो होता है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अगर हम शेल की बात करते हैं तो हमारे पास सोडियम है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है जी, इसके बाहर एक पहला शेल होता है जी, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाहर दूसरा शेल है जी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद आएगा जी तीसरा शेल। अब देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 11 होंगे, तो दो पहले में आ गए, दूसरे में कितने आ गए? 8, 10 हो गए, और तीसरे में आएगा जी 1। ओके, तीसरे में कितना आएगा? 1। अब जो आखिरी शेल है जी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये वाला। अब सोडियम अपने आखिरी शेल में से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो एक इलेक्ट्रॉन ही खारिज कर सकता है, तो सोडियम क्या करेगा? अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालेगा,
जिस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पहले कोई चार्ज नहीं है, पहले कोई चार्ज नहीं था तो जीरो चार्ज होता है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सोडियम ने अपने आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रिलीज कर दिया, लॉस कर दिया, उसके ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन पॉजिटिव वन। ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मीन पॉजिटिव वन। तो जितने इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम है, अपने आखिरी शेल में से जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं एक और, मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, चार्ज क्या आएगा, अब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना पॉजिटिव, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव टू। ऐसे एल्यूमिनियम है जी, एल्यूमिनियम जो होता है इसके आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद 3+ चार्ज आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप कैटाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज या लॉस कैसे करना है आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने एटम को अलग करना है, एटम को अलग करना है। जब एटम अकेला होगा, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा, तो फिर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले एटम को अलग करना है, आइसोलेट करना है, क्लियर। फिर क्या होगा, आपने उस एटम को अलग करने के बाद उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करना है जी, एनर्जी। आप उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अब वो एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट पे जाएगा। एब्जॉर्ब एनर्जी करने के बाद हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है जी, हाई एनर्जी स्टेट। अब यहां पे जा चुका है आपका जी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, फिर क्या होगा, जब वो हाई एनर्जी स्टेट पे बढ़ा जाएगा तो एटम हो जाता है जी अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल, यानी स्टेबल नहीं रहता। जब अनस्टेबल होगा तो फिर उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद एनर्जी अब्जॉर्ब की हाई एनर्जी स्टेट पे गया, अनस्टेबल हुआ और उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लॉस होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो सोडियम की एग्जाम्पल ली हुई है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तीन शेल हैं। पहला शेल था जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा शेल था जिसमें आठ इलेक्ट्रॉन थे और तीसरा शेल था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। जब आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तीसरे शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये शेल जो है ये खत्म हो जाएगा, ये शेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये शेल ही खत्म हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद पॉजिटिव आयन जब बन जाएगा, पॉजिटिव जब चार्ज आ जाएगा, तो फिर इसका साइज देखें। अब यहां पे देखें अगर आप, तो पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑटोमेटिकली शेल खत्म हो जाएगा, जब शेल खत्म होगा
तो फिर उसका जो साइज है एटम का पहले की निस्बत कम हो जाएगा, यानी आयन जब बन जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जब भी पॉजिटिव आयन बनता है तो उसका साइज अपने असल एटम से छोटा हो जाता है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है कि वाई कैटाइन्स आर स्मॉलर इन साइज देन देयर पेरेंट एटम, ये आपने ध्यान से करना है। अब यहां पे हमने देखा कि एनर्जी हमने दी इसको, इस एटम ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। यहां पे हमने देखा एनर्जी को क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसकी बेटा जो वैल्यू होती है, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा ई या डेल्टा एच जो होता है, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। आपने याद रखना है कि जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। हाँ जी, इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन बना। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जब होता है तो इसको एक और नाम भी देते हैं, हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड, हाँ जी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कि जब ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो तब पॉजिटिव आयन बनते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से भी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी क्या होता है, पॉजिटिव आयन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो बेटा जो आयन बना था दैट इज कॉल्ड द यूनि पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन निकले जो आयन बना, क्योंकि इसके ऊपर प्लस टू चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द डाई पॉजिटिव आयन। और जब तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा प्लस थ्री चार्ज आएगा तो आयन कौन सा आ जाएगा, कितने पॉजिटिव है, तीन, तो ये बन जाएगा ट्राई पॉजिटिव आयन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना उसके ऊपर चार्ज है, तो उसके मुताबिक उसका आप नाम भी, यूनि नेगेटिव जिसके ऊपर प्लस वन चार्ज हो, डाई नेगेटिव जिसके ऊपर प्लस टू चार्ज हो, ट्राई पॉजिटिव जिसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज हो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ रखना है, यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम देखते हैं कि सेकंड जो टाइप है, पहली टाइप हमारे पास कौन सी थी, पॉजिटिव आयन। अब सेकंड टाइप हमारे पास कौन सी है जी, नेगेटिव आयन हमारे पास मौजूद है। अब नेगेटिव आयन क्या होते हैं, ऐसे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज कब आता है जी, यानी ये नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन्स हैं वो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, यहां पे हमने पढ़ा था कि व्हेन एन एटम रिलीज या लॉस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि व्हेन एन एटम, इसका उल्ट करना है आप लोगों ने, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हासिल करेगा, गेन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, फिर कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है जी, इसको हम एनायन भी कहते हैं, हमने यहां पे पढ़ा कि नेगेटिव आयन्स को एनायन्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, और कहां पे आएगा, जब एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन तो कहां पे आएगा, ठीक है, इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में ही उसने आना होता है, कि जब कोई कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो
तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? जो एटम उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसके आहरी शेल में ही आएगा। ठीक है, जैसे आहरी शेल से निकाला हम लोगों ने, ऐसे ही आहरी शेल में ही वो एंटर होगा। चलें इसकी मिसाल भी थोड़ी सी लेते हैं साथ साथ। मिसाल बेटा हमारे पास है जी, क्लोरीन है जी, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन पहले ही मौजूद होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें जरा। द सेंटर में आएगा न्यूक्लियस, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज से भी डोनेट किया जाता है न्यूक्लियस को। ये हमारे पास आएगा पहला शेल, पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेल, दूसरे में 8 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने हो गए टोटल? 10 हो गए, और एक और डाल देंगे यहाँ पे, एक सॉरी एक नहीं है, 10 हो गए, तो 7 और चाहिए, 5, 6 एंड 7। अब टोटल कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं क्लोरीन के अंदर। अब यहाँ पे ये पहला शेल है जी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 होते हैं, तीसरे शेल में कितने हैं जी? 7, 17 पूरे हो चुके हैं। अब क्या है, अब आपने इस एटम को इलेक्ट्रॉन देना है, इसने एक्सेप्ट करना है, इसने गेन करना है, हासिल करना है जी। मेन पॉइंट हमारा ये है। अब क्या, इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है, आजाद है, अकेला है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्लोरीन के एटम के आखिरी शेल में ऐड करना है। अब क्या होता है जी, अब बेटा जी ये जो इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद है, ये डॉट्स मैंने बनाए, ये इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बेटा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पे भी, हर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पहले भी मौजूद है जो एटम के अंदर मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर दाखिल होना चाहता है यहाँ पे, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रॉन मौजूद है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? सेम चार्ज आ चुका है जी, सेम चार्ज होगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल कह सकते हैं कि यहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जी। जब रिपेल करेंगे तो कभी भी ये करीब नहीं आ सकते। अब रिपल्शन की वजह से क्या होता है, रिपेल होने की वजह से ये कभी करीब नहीं आ सकते। तो क्या हुआ, जब रिपेल करेंगे तो इस एटम की एनर्जी हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा एनर्जी जी बेटा। रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। जब एनर्जी हाई होगी तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल होगा तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि 7 पहले मौजूद थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन हुई, रिपल्शन से क्या हुआ, एनर्जी हाई होगी एटम की, अनस्टेबल हुआ, और अनस्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जी। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कैटाइन, सॉरी एनाइन भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ जी? तो यहां पे हमने देखा कि यहां पे आप देखिए हाई एनर्जी है, अनस्टेबल हुआ, और अनस्टेबल होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो दोबारा से क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पूरे हो जाएंगे, 7 पहले मौजूद थे, एक और ऐड कर दिया, 8 हो गए, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हुआ। तो बेटा जी अनस्टेबल हाई एनर्जी, स्टेबल क्या है, लो एनर्जी। जब हाई एनर्जी से लो पे आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज, याद रखना आप लोगों ने, एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द एक्सो थर्मिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि जब नेगेटिव आयन बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन या एनाइन,
इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसमें जो एनर्जी का चेंज होगा डेल्टा ई या डेल्टा एच जो होगी दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव। याद रहेगा जी, इसमें क्या था, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इसमें क्या हुआ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें डेल्टा ई या डेल्टा एच क्या होगी पॉजिटिव साइन के साथ होगी, यहां पे क्या होगा नेगेटिव साइन के साथ होगी। और इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। याद रहे तो आप लोगों ने कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो हमने क्या किया है, सीएल था, इसमें क्या किया इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और इस पे क्या चार्ज आया नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया इस पे नेगेटिव वन चार्ज आएगा, इसको हम बोले हैं बोलेंगे दिस इज द यूनि नेगेटिव आयन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, लेट सपोज अब इसमें हमने दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं जी, तो क्या होगा जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे चार्ज क्या आएगा नेगेटिव टू, दिस इज द डाई नेगेटिव। और आपने याद रखना है कि जब यूनि नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जब डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होती है दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर सिक्स में स्टूडेंट्स। तो क्या दिस इज द एंडो, दिस इज द एक्सो। और अगर हमारे पास कोई और जैसे नाइट्रोजन है, इसमें अगर आप तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा थ्री नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दिस इज अ ट्राई नेगेटिव वन एंड दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक, दिस बोथ आर, दिस इज एक्सो, दिस इज एक्सो, यूनि नेगेटिव एक्सो, ट्राई नेगेटिव एक्सो, एक्सोथर्मिक मीन जिसमें एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, याद रखना बेटा आप लोगों ने। और दिस इज द एंडो, एंडो मीन जिसमें एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्ब होती है। और अभी हमने डिस्कस किया द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की हैं, प्रोसेस कैसा होता है ये हमने डिस्कस किया है। चले अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो एनर्जी हम इसको देते हैं या जो एनर्जी हम हमारी इसमें से रिलीज होती है, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है जी स्टूडेंट्स, तो बेटा वो हम हीट यूज करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप एटम को हीट करेंगे हीट की फॉर्म में ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। क्लियर, तो हम इसमें इसके अलावा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, अल्फा पार्टिकल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या एक्स रेज को हम यूज कर सकते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, लेकिन बेसिक हमारी पास जो चीज है वो एनर्जी है, हमने एनर्जी देनी है वो हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में, एक्स रेज या अल्फा पार्टिकल की सूरत में भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, हो गया। अब यहाँ पे हमने डिस्कशन की है अभी आयन के बारे में, तो शुरू में हमने पढ़ा था कि एटम भी हो सकता है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हैं और गेन भी वो कर सकता है। तो बेटा इसकी वजह से ही अगर मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी है कि वो भी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, तो इसकी वजह से हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन। क्लियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल क्या किया, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उससे भी क्या बन जाएगा आयन बनेगा, क्या बनेगा आयन बनेगा। और जब मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इससे जो आयन बनेगा दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन। और मॉलिक्यूलर आयन भी बेटा दो टाइप्स के ही होते हैं, एक होते हैं कैटाइनिक
मॉलिक्यूलर आयन। ओके स्टूडेंट्स, और एक होते हैं जी एनआयनिक मॉलिक्यूलर या मॉलेक्युलर आयन्स। ठीक है, अब एनआयनिक कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट हैव नेगेटिव चार्ज और ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम मसाल ले लेते हैं, CH4 पॉजिटिव है। अब देखें मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ चुका है, CH4 मॉलिक्यूल था, मीथेन का मॉलिक्यूल है, जब इसके ऊपर चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा? कैटायनिक मॉलिक्यूल आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज, वही बात है कि कितना पॉजिटिव होगा, जितना वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लॉस करेगा, उतना पॉजिटिव होगा। चलें और मसाल ले लेते हैं, N2+ है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, NO2+ है, CO+ है, एटसेट्रा। ये सारे क्या है? दीज आर मॉलिक्यूल कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। और हमारे पास एनायनिक भी हो सकते हैं, जैसे O2 है, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। इसके अलावा N2 है, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। इस तरह से जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है, तो उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां पे एक बात करते हैं कि जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स होते हैं, ये हमारे यूनिवर्स में ज्यादा है, इनको बनाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि तो आपने किसी भी मॉलिक्यूल को जब एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसको एनर्जी देनी है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जैसे हमने पढ़ा था कि जब कोई एटम या मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है, जिसको अपनी एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और कैटाइन की फॉर्मेशन इजी होती है। इसलिए हमारी कायनात में, हमारे यूनिवर्स में कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा बेटा ये होता है कि हम इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम इनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी स्टूडेंट्स, हमने आपसे वही बात की थी कि आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद जो टेक्निक्स हैं पेपर के बारे में, उनसे फ़ायदा हासिल कर सके। अपने टीचर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।